सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 15 दिसंबर को संत मरिया क्रूसीफिजा का पर्व मनाती है। उनका जन्म 6 नवंबर 1813 ईस्वी में इटली के ब्रोशिया शहर में हुआ था। वे एक रईस परिवार से थी और अपने माता पिता की 9 संतानों में 6ठी संतान थी। 1824 ईस्वी में अपनी मां के देहांत के बाद सिस्टर्स ऑफ विजिटेशन ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाई। 1830 ईस्वी में वे अपने पिता की सहायता के लिए वापस घर गई थी। उनके पिता एक दृढ़ ख्रिस्त विश्वासी थे। 1836 ईस्वी में हैजा महामारी से बहुत से लोग पीड़ित हो गए थे। तब गैब्रियला बोरमोती के साथ मिलकर उन्होंने पीड़ित लोगों की मदद और सेवा की और बहुत से लोगों ने चंगाई पाई। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए। 1840 ईस्वी में उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना भी की और तब वे मात्र 30 वर्ष की थीं। वे गरीब और बीमार लोगों की पीड़ा को अपना समझकर उनकी सेवा करती थीं। 1850 ईस्वी में उनकी संस्था को मान्यता प्राप्त हो गई थी। जल्द ही उनकी संस्था फैलना शुरू हो गई। 1855 ईस्वी में मांटुआ में वे अचानक ढह गए और उन्हें ब्रेशिया में उनके मदर हाउस में ले जाया गया। 15 अगस्त 1855 में उनकी मृत्यु हो गई। 26 मई 1940 में उन्हें धन्य घोषित किया गया और 12 जून 1954 में संत पिता पायस 12वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए आज हम भी संत मरिया क्रूसीफिजा के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी इनके जैसा दूसरों की मदद करने वाला जीवन दें।